हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार एक बार फिर एके ज्ञानशाला में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की एके ज्ञानशाला में आज का टॉपिक है आखिर क्यों आज का युवा भी गवर्नमेंट जॉब्स को प्राइवेट जॉब्स के कंपैरिजन में ज्यादा प्रेफर करता है। तो आइए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। फ्रेंड्स, इस टॉपिक के ऊपर हमने बहुत से स्टूडेंट्स से और इवन उनके पेरेंट्स से भी डिस्कस किया कि आखिर वो क्यों, जबकि आज की डेट में प्राइवेट जॉब्स के सैलरी स्ट्रक्चर्स बहुत हाई हैं, फिर भी वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट जॉब्स में क्यों भेजना चाहते हैं। इवन आज का युवा भी गवर्नमेंट जॉब में क्यों जाना चाहता है। फ्रेंड्स, इस डिस्कशन के दौरान हमें बहुत से ऐसे रीजंस मिले जिनकी वजह से स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कारण जो लगभग सारे स्टूडेंट्स में हमको कॉमन मिले, उनमें से मैं पांच वो मुख्य रीजंस आपसे शेयर करना चाहता हूं। और वो फाइव रीजंस हैं इस तरीके से। उनमें से पहला रीजन है, वो है जॉब सिक्योरिटी का। फ्रेंड्स, देखिए, आज भी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस खराब होती हैं, उनके प्रॉफिट्स काफी डाउन हो जाते हैं, तो वो अपने एम्प्लॉइज का फायरिंग शुरू कर देते हैं और उनके एम्प्लॉइज सड़क पे आ जाते हैं। जबकि गवर्नमेंट सेक्टर्स में ऐसा नहीं है। एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के थ्रू अगर वो एलिजिबल हो जाते हैं, तो अगर वो अपने सर्विस के दौरान कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज नहीं करते हैं, तो पूरे कैरियर में, पूरे जॉब टेनोर में वो अपनी जॉब को कंप्लीट करते हुए ऑनरेबल रिटायरमेंट अचीव करते हैं। और इस तरीके से उनकी जॉब सिक्योर्ड होने से उनकी लाइफ भी सिक्योर्ड होती है। फ्रेंड्स, दूसरा मुख्य कारण जो हमें स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स से फीडबैक मिला, वो रीजन था बैलेंस्ड वर्क एंड पर्सनल लाइफ। फ्रेंड्स, उनके रीजंस थे कि प्राइवेट जॉब्स में आज भी समय की कोई सीमा नहीं होती। कितने घंटे काम करना है, समय सीमा होने के बावजूद भी वो उनसे जब चाहते हैं, जब तक चाहते हैं, जॉब्स के लिए प्रेफराइज करते रहते हैं। जबकि गवर्नमेंट सेक्टर्स में एक फिक्स टाइमिंग्स होती हैं, एक फिक्स पीरियड के लिए उनको जॉब में जाना होता है। और इस तरीके से वो उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ, उनकी सोशल लाइफ में भी वो अपना समय दे सकते हैं। और इस तरीके से वो एक बैलेंस लाइफ जीने में अपने को सक्षम पाते हैं और उनकी जिंदगी एक बेहतर जिंदगी के तौर पर गुजरते हुए लाइफ को भी एंजॉय करते हैं। फ्रेंड्स, अब तीसरा मुख्य कारण वो आया, वो था लेस वर्क स्ट्रेस इन गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स में कम तनाव। बात तो सही, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में टारगेटेड गोल्स होते हैं, टाइम शेड्यूल की बड़ी निमित्ताएं होती हैं, डेडलाइंस होते हैं, और इसके कारण एम्प्लॉइज हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, उनके ऊपर स्ट्रेस की तलवार लटकती रहती है। जबकि गवर्नमेंट सेक्टर्स में वर्किंग की एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है और उस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, फिक्स टाइम शेड्यूल होने के कारण, उनके अंदर तनाव उतना नहीं होता। फ्रेंड्स, चौथा मुख्य कारण जो हमें फीडबैक्स मिले, वो ये था कि हॉलीडेज और लीव्स
गवर्नमेंट सेक्टर्स में लाइफ को एंजॉय करने के लिए कंपैरेटिवली प्राइवेट सेक्टर्स के काफी ज्यादा है। बात भी सही है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में हॉलीडेज, चाहे वो गवर्नमेंट हॉलीडेज हो, चाहे वो त्योहार हो, चाहे वो नेशनल हॉलीडेज हो, प्राइवेट सेक्टर्स के कंपेरिजन में काफी ज्यादा है। और इसके अलावा सीएल, अर्नलीव, मेडिकल लीव भी वो एंजॉय करते हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर्स में लीव्स तो हैं लेकिन उतनी ज्यादा नहीं, और कभी कभी तो जरूरत पड़ने पे भी लीव्स के लिए एडवांस परमिशन लेनी पड़ती है, और कभी कभी अर्जेंसी होने के बावजूद भी लीव्स मिल नहीं पाती है। फ्रेंड्स, पांचवा कारण, और वो कारण है सैलरीज के अलावा पर्क्स और बेटर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट सेक्टर्स में आज की डेट में सैलरी स्ट्रक्चर भी प्राइवेट के कंपैरिजन में कम नहीं है, वो भी काफी अच्छी हो गई है, और साथ साथ हर साल डीएस बढ़ते रहते हैं, और उसके अलावा उनके जो पर्क्स हैं, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, लीव्स, इनकैशमेंट और ट्रेवल अलाउंसेस, इन सब चीजों को देखते हुए, प्लस जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, प्रोविडेंट फंड और आपके ग्रेजुटीज, ये सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर्स के कंपैरिजन में काफी बेहतर है। तो हमने जब उनसे डिस्कशन किया तो ये पांच रीजंस, मुख्य रीजंस आए, जिन रीजंस के कारण आज का युवा ये चाहता है कि हमारी पहली प्राथमिकता गवर्नमेंट जॉब्स की हो। किसी कारणवश अगर वो गवर्नमेंट जॉब्स पाने में असफल रहते हैं तब वो मजबूरी बस प्राइवेट जॉब्स की तरफ जाते हैं, और यही प्राथमिकता हर बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी होती है। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को ये पांच पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, और इसकी वजह से हमारी जो यंग जनरेशन्स हैं उनकी भी प्राथमिकताएं गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए अगर हैं तो जो भी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट सेक्टर्स में हैं, चाहे वो हाई स्कूल के बाद हो, चाहे वो इंटर के बाद हो, चाहे ग्रेजुएशन के बाद हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हो, चाहे टेक्निकल, चाहे मेडिकल लाइन में जाने के बाद हो, दे कैन प्रेफर इट। और जिनकी चर्चा हम समय समय पर आगे के वीडियोज में आपसे साथ करते रहेंगे। फ्रेंड्स, आज यहीं तक, आगे के वीडियोज में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट स्टेजेस में वो गवर्नमेंट सेक्टर्स में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, जिन अपॉर्चुनिटीज को आज का युवा अवेल करते हुए अपनी जिंदगी को खुशहाल और मजेदार बना सकता है। तो फिर आज यहीं तक, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय।